मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में दर्दनाक सड़क हादसे की घटना सामने आई है, जहां बस और कार की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई। बैतूल के एसपी श्यामाला प्रसाद ने बताया कि हादसे में घायल एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया है। मध्य प्रदेश की सरपट सड़कों पर अंधगति से दौड़ते वाहन लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं। ताज़ा मामला बैतूल जिले के झल्लार थाने के पास का है, जहां तेज रफ्तार टवेरा वाहन और यात्री बस में भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि 5 पुरुष, 4 महिलाएं और 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी लोग अमरावती के एक गांव में बैतूल के झल्लार से 20 दिन पहले मजदूरी करने गए थे। सभी लोग बुधवार रात करीब 9 बजे अमरावती से झल्लार के लिए रवाना हुए थे। रात करीब 2:15 बजे चालक को झपकी लगी और कार सीधे बस में जा घुसी। घटना की जानकारी लगते ही कलेक्टर और एसपी और क्षेत्रीय विधायक धर्मू सिंह सिरसा घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं विधायक ने मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने की मांग की है। वहीं उन्होंने विधायक निधि से प्रत्येक परिवार को 10-10 हज़ार रुपए देने की बात कही। इस घटना की जानकारी लेकर आज जो मेरे यहाँ पर झल्लर के पास में जो घटना घटी है, उन परिवारों के प्रति मैं शोक व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं जो शासकीय योजना के तहत जो भी राशि आर्थिक सहयोग मिलेगा वो भी दिलवाऊंगा, और मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि ऐसे परिवारों को करीब 10-10 लाख रुपए सहायता के रूप में दिए जाने की घोषणा की जाए, और मैं अपने विधायक निधि से हर परिवार को 10-10 हज़ार रुपए की सहायता से। सर जी, जो झल्लार में दुखद घटना हुई, इसकी जानकारी आपको कब लगी थी? मेरे को करीब 7 बजे इस घटना की जानकारी लगी। आज जो मेरे यहाँ पर झल्लार के पास में जो घटना घटी, उन परिवारों के प्रति मैं शोक व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं जो शासकीय योजना के तहत जो भी राशि आर्थिक सहयोग मिलेगा वो भी दिलवाऊंगा, और मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि ऐसे परिवारों को करीब 10-10 लाख रुपए सहायता के रूप में दिए जाने की घोषणा की जाए, और मैं अपने विधायक निधि से हर परिवार को 10-10 हज़ार रुपए की सहायता सहयोग करूँगा। क्या था यह घटनाक्रम? लगभग 2:30 बजे की बात है, 2 से 2:30 बजे रात में, तो एक टवेरा और एक बस दोनों आपस में भिड़ी हुई है, जिसमें हम लोग सूचना मिली। वैसे गांव के सब लोग पहुँचे हैं, हम लोग जब मौके पहुँचे तो सभी लोग मृत थे, जिसमें 6 टवेरा में 6 पुरुष 3 महिला और 2 बच्चे, सभी लोग महाराष्ट्र से सोयाबीन काट के लौट रहे थे, लेबर लोग थे और सभी मृत हैं। कहाँ के लोग थे? पता लगा कि एक मेढा का है, कुछ चिखलार के है और कुछ मैदगांव भड़ुस के है। जानकारी दिन जो टवेरा और बस का एक्सीडेंट आज कल रात में हुआ है, उसके लिए हम लोगों ने मौका मुआयना करा है और देखा है क्या स्थिति है। इसमें 11 लोग कुल टवेरा में जो ट्रेवल कर रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अभी बीएमओ को और डॉक्टर्स को मैंने निर्देशित किया है कि तत्काल पीएम की कार्रवाई करके और जो मृतक हैं उनको हम लोग उनके जो मूल गांव है वहां पे तत्काल पहुंचाएं। अंत्येष्टि राशि के लिए, अनुग्रह राशि के लिए तत्काल हमने कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया है, और ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर भी जो मुआवजा राशि मिलती है वो भी परिवार को तत्काल स्वीकृत करने के निर्देश दिए। सर, जो मृतक है उसमें कुछ बच्चे भी हैं? 2 बच्चे हैं जिनकी डेथ इस एक्सीडेंट में हुई है। बहुत ही दुखद घटना है जी। हम परिवार के जो भी सदस्य हैं उनको जो भी सहायता दे सकते हैं तात्कालिक रूप से प्रशासन की तरफ से वो राहत दी जाएगी। थैंक यू मैडम। घटना क्या हुई है और किस तरह की घटना का पता लगा है? देर रात को एक खाली बस जो है वो रोड से जा रही थी, और तभी कलमता गांव है अमरावती से, वहाँ कुछ मजदूर जो है झल्लार क्षेत्र के मजदूरी के लिए गए हुए थे, जो 20 दिन से गए हुए थे। कल रात में वो तकरीबन 9 बजे वहाँ से निकले हैं, और ये एक्सीडेंट हुआ है 2:15 बजे के करीब।
और टवेरा गाड़ी जो है ड्राइवर को अचानक जो है थोड़ी नींद से आ गई। ड्राइवर हमारे पास है, उसके जो कथन हुए हैं उसके अनुरूप उसको थोड़ी नींद आ गई, वो बस में जाके एकदम डैश हो गई गाड़ी। तो इसके कारण जो है टवेरा में 11 लोग थे और उन सभी के साथ हादसा हुआ है। और इसमें हम प्रयास यही कर रहे हैं कि अपराध पंजीबद्ध करके आगे की विवेचना। मैडम, इसमें जो मृतक लोग हैं उनको कुछ सहायता राशि भी दी जाएगी? हाँ, जो विधिवत है वो सारी हम लोग प्रक्रिया पूर्ण करके जल्द से जल्द इनको सभी प्रकार की सहायता राशि दें। वहीं बैतूल में हुए दर्दनाक हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सभी 11 मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों के परिजनों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बैतूल हादसे पर शोक व्यक्त किया। सीएम ने राहत राशि की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हादसे में जान गंवाने वाले 11 लोगों को परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं हादसे में घायलों को 10,000 रुपए सहायता राशि के रूप में दिए जाएंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी हादसे पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। भैंसदेही से मनीष राठौर की रिपोर्ट।